अगर आप भी अपने बाल मेरे जितने लंबे करना चाहते हैं और बहुत ही जल्दी आप चाहते हैं कि उसका रिजल्ट आपको दिख जाए, तो बिल्कुल सही जगह आए हैं आप। हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्नेहा और मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ लॉन्ग हेयर टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने बाल को कौन सा टिप फॉलो करके बहुत ही जल्दी लंबे कर सकते हो। अगर आपका हेयर ग्रोथ रुका हुआ है या आपके बाल लंबे नहीं होते हैं किसी भी वजह से, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा टिप आपको ईमानदारी से फॉलो करना है और आप अपने बाल बिल्कुल लंबे कर पाएंगे। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए वीडियो को मैं आगे बढ़ाती हूँ। आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए टिप नंबर वन है कि सबसे पहले आपको अपने बाल को सुबह उठते ही कोम करना है। उससे क्या होता है, सबसे पहले जब भी हम अपने बाल को लंबा करना चाहते हैं तो हमको हेयर फॉल को कंट्रोल करना चाहिए। तो सबसे पहले हेयर फॉल रोकने के लिए आपको इसको प्रॉपर कॉम भी करना है, ताकि जो भी बाल आपके उलझ रहे हैं या टैंगल्ड हो रहे हैं वो आपको कॉम करने से वो बाल आपके निकल जाए। तो कॉम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम आपको सुबह उठ के करना है और रात को सोने से पहले कॉम करना है। दूसरा टिप है ऑयलिंग। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बाल लंबे करने के लिए ऑयलिंग का क्या यूज है, पता नहीं लोग क्या लगाते हैं। मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप ऐसा क्या यूज करते हो और आप क्या ऐसा अपने बालों के लिए करते हो, हमें भी बताओ। सबको बोलती हूँ कि टिप्स फॉलो करो और बाल आप भी अपने लंबे कर सकते हैं। तो टिप्स में ऑयलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हफ्ते में 2 बार ऑयलिंग मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि बिल्कुल स्कैल्प में और रूट में अच्छे से ऑयलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्कैल्प में अच्छे से ऑयलिंग करिए हफ्ते में 2 बार। अब आप सोचोगे कि ऑयलिंग कौन से ऑयल से करना है जिससे बाल लंबे होते हैं, तो मैंने खुद से बनाया है वो ऑयल जिससे बाल आपके लंबे हो जाएंगे, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर कोई ऑयल आपको सूट करता है तो वो ऑयल भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई ऑयल नहीं बनाना चाहते हैं तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि माइल्ड ऑयल जैसे कि कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल, ये कोई भी ऑयल आप अपने घर पे यूज कर सकते हो अपने बाल को लंबा करने के लिए। लेकिन आपको ऑयलिंग हफ्ते में 2 बार करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तीसरा टिप हेड मसाज। हेड मसाज वही है जिसको हम अक्सर चंपी बोलते हैं। तो चंपी जब भी हम ऑयलिंग करते हैं, कई लोगों का होता है अपने बाल में ऑयल हल्का सा लगा दिया और वो सोचते हैं कि ऑयलिंग हमारी कंप्लीट हो गई। ऑयलिंग का बेस्ट वे है हेड मसाज करना। जब भी आप ऑयलिंग करते हो तो आपको एक अच्छा सा मसाज करना चाहिए। मसाज करने का सही वे ये होता है, आप अपने बालों को आगे की तरफ बेंड करिए और पीछे से मसाज करना शुरू करिए। इससे क्या होगा, आपके बालों का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपके जो हेयर ग्रोथ है उसको प्रमोट करने के लिए बहुत ही अच्छा ट्रिक है ये, जो कि मैंने अपने ऊपर यूज किया है। मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी कि इस तरीके से अच्छे से चंपी 5 से 7 मिनट, 10 मिनट भी आप कर सकते हो, अच्छे से अपने हेड को मसाज करो। उसके बाद आप देखोगे इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। हफ्ते में ये आपको 2 बार करना। अब चलते हैं चौथे टिप की तरफ। चौथे टिप, जब भी आप ऑयलिंग करते हो तो ऑयलिंग करने के बाद आपको टॉवल को गीला करके, अब कोई भी बकेट में गर्म पानी ले लो, उसमें आपको टॉवल डिप करना है और अपने बाल को अच्छे से रैप करना है। उससे क्या होता है, जो हमारा ऑयल है वो पोर्स के अंदर चला जाता है, जो हेयर ग्रोथ को, क्योंकि मैं अपना बनाया हुआ ऑयल यूज करती हूँ हेयर ग्रोथ के लिए, तो उससे क्या होता है पोर्स के अंदर जब भी हम ऐसे कवर करते हैं तो पोर्स के अंदर ऑयल है वो अंदर चला जाता है और वो हेयर ग्रोथ को बहुत ही जल्दी प्रमोट करता है, जिसमें आपको 1 महीने के अंदर अपने बालों में ग्रोथ दिखेगा। आप बहुत खुश हो जाओगे इस ट्रिक को फॉलो कर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। ये एक रेमेडी है जिसमें आपको हेयर ग्रोथ टोनर यूज करना है। ये टोनर मैं खुद से बना लेती हूँ घर पे, आपको मैं बताती हूँ कि फटाफट ये टोनर हम कैसे बनाएंगे।
इस टोनर को बना के आपको स्टोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप इसको एक ही हफ्ते स्टोर कर सकते हो, इसमें स्मेल आ जाता है। अगर आप इसको फ्रेश बनाते हो बहुत अच्छी बात है, फ्रेश बनाओ, यूज करो। आपको क्या करना है, ऑयलिंग करना है। अगर आप ऑयलिंग शाम को करते हो तो रात को सोने से पहले आपको ये टोनर कॉटन से अपने पूरे स्कैल्प में लगाना है। मैंने आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि किस तरीके से आप अपने इस टोनर को अपने बालों में लगा सकते हो। पूरे स्कैल्प में टोनर लगाने के बाद आपको इसको वॉश करना है। ध्यान रखें, हफ्ते में सिर्फ एक बार आपको ये टोनर यूज करना है। आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ टिप की तरफ। सिक्स्थ टिप हमारा ये है कि जब भी हम बाल बढ़ाने का एक प्रोग्राम बनाते हैं कि हमको किस तरीके से बाल बढ़ाना है, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमको होम रेमेडी भी यूज करना बहुत जरूरी है। होम रेमेडी से क्या होता है, वो आपके बाल को बहुत सारे प्रॉब्लम से बचाता है, जैसे कि डेंड्रफ, हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, अगर आपको लॉन्ग करना है, ऐसे कई प्रॉब्लम्स जो भी आपको होता है, उससे आपके प्रॉब्लम को ये कंट्रोल करता है, क्योर करता है। और होम रेमेडी से आपके बाल बहुत ही अच्छे, ड्राइनेस खत्म हो जाता है। तो ये सब आपके बाल, अगर आप चाहते हो कि अच्छे रहें और लॉन्ग भी होते रहें, तो उसके लिए रिलेटेड जो भी आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड रेमेडी है वो आपको यूज करना चाहिए। तो चलिए सातवें टिप की तरफ। सातवां टिप हमारा ये है कि हमको प्रॉपर ट्रिमिंग करना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर हम बालों को लंबा करना चाहते हैं तो हम कटिंग कराना बंद कर दें, ट्रिमिंग कराना बंद कर दें, तो बाल लंबे हो जाएंगे। ये बहुत गलत तरीका है। अगर आपके बालों में कटिंग, अगर आप अपने बालों को ट्रिमिंग नहीं करोगे तो उसमें स्प्लिट एंड आएंगे, जो कि बहुत ड्राई भी हो जाता है। वो हेयर ग्रोथ को बहुत ज्यादा रोकता है। स्प्लिट एंड ना होने से बाल आपके जल्दी बढ़ते हैं, और उसके लिए आपको अपने हेयर को नीचे से स्प्लिट एंड को कट करते रहना चाहिए। सही टाइमिंग है, हर 15 दिन में अपने स्प्लिट एंड को टचअप करिए और उसको कट करिए, नहीं तो मैक्सिमम 1 महीने में। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि 1 महीने में 2 बार ट्रिमिंग करें, क्योंकि मैं भी ऐसा करके ही मैंने अपने बालों को लॉन्ग किया है। जो भी टिप्स मैंने आपको इस वीडियो में अभी तक बताया है, वो सारे टिप्स मैंने अपने पर्सनली फॉलो किए हैं, जिससे मैंने अपने बाल लंबे किए। अब चलते हैं आठवीं टिप की तरफ। एक टिप ये है, जब भी आप सोने जाते हो तब आपको एक बहुत छोटा सा टिप फॉलो करना है। आपको अपने बाल को बेड से नीचे की तरफ लटका के सोना है, जिससे आपके जो बाल है उसमें वेट जो है वो नीचे की तरफ बालों को पुल करेगा। पुल करने से क्या होगा, वो हेयर ग्रोथ को बहुत जल्दी प्रमोट करेगा और आप अपने बाल में बहुत जल्दी रिजल्ट देखोगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप में से एक है। आप बहुत ही जल्दी फील करोगे कि आपके बाल बढ़ने लगे हैं। मैंने ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए किया था, जब मेरे बाल का ग्रोथ बिल्कुल रुक गया था। पहले मेरे बाल बहुत छोटे थे, आप देख सकते हो इस वीडियो में कि कितने छोटे बाल थे मेरे। तो मैंने जब सोचा कि मुझे अपने बालों को लंबा करना है, तो मैंने बहुत सारी रिसर्च की, और अपने बालों को लंबा करने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स एंड टर्न्स घर में मम्मी से पूछा, और बहुत कुछ करके मैंने अपने बालों को लंबा किया है। तो इस तरीके से आपको अपने बालों को नीचे गिरा के और डेली सोना है। अब आते हैं टिप नंबर 9 पे। टिप नंबर 9 है वो होम रेमेडी जो पैक यूज करके आप अपने हेयर ग्रोथ को सबसे जल्दी बढ़ा सकते हो। जैसे कि मैंने आपको टिप नंबर 5 में बताया था, आपको टोनर यूज करना है, और टोनर यूज करने के लिए आपको हफ्ते में सिर्फ एक बार एक दिन चाहिए। तो दूसरा दिन, जैसे कि हम हफ्ते में 2 दिन ऑयलिंग करते हैं, तो पहले दिन हम टोनर यूज करेंगे और दूसरे दिन हम यूज करेंगे ये वाला पैक। ये वाला पैक आपको यूज करना है, पहले रात को आप ऑयलिंग कर सकते हो। ऑयलिंग करने के बाद सुबह उठ के आपको ये पैक लगाना है 2 घंटे के लिए। 2 घंटे बाद आपको इसको नॉर्मल शैम्पू से भी वॉश कर सकते हो, मेरे बनाए हुए शैम्पू से भी आप इसको वॉश कर सकते हो। अगर आप इस पैक को यूज नहीं कर सकते हो, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप मेरा बनाया हुआ शैम्पू भी यूज कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, तो ये आप यूज कर सकते हो। ये पैक बहुत इंपॉर्टेंट है अपने बालों को लंबा करने के लिए। मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि यूज करो और अपने बाल को जल्दी से जल्दी आप लंबा कर सकते हो। अब बढ़ते हैं नंबर 10 की तरफ। सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है, जब भी आप ऑयलिंग करते हो तो आप सोने जाते हो, सोने जाने के से पहले अगर आप टोनर लगाते हो तो भी, और अगर आप टोनर नहीं लगाते हो तो भी, आपको अपने बाल को अच्छे से चोटी बनाना है। 2 चोटी बनाइए, टाइट चोटी बनाइए, और तब आपको सोना है। बाकी दिन, जिस दिन आप ऑयलिंग नहीं कर रहे हो उस दिन अपने बाल को नीचे लटका के सोना है, और जिस दिन आप ऑयलिंग कर रहे हो उस दिन आपको हफ्ते में 2 बार अच्छे से टाई करके अपने बालों को सोना है। ये टिप आपको फॉलो करना है 1 मंथ अच्छे से, ईमानदारी से इस टिप को आप फॉलो करिए।
उसके बाद मुझे इंस्टाग्राम पे इसका रिजल्ट बताइएगा। और अगर आपको कोई भी इशू है लाइक डेंड्रफ, या आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ गए हैं, आपको हेयर थिनिंग का इशू है, बाल पतले हो गए हैं, या कोई भी इशू है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने रिजल्ट दिया है अपनी रेमेडी से। आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व मैं जरूर करूंगी। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे अपने बिफोर आफ्टर पिक भी भेज सकते हो, जो कि मैं वीडियो में अगर आप चाहोगे तो यूज कर सकती हूँ। थैंक यू मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।